अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा हाजिर हुए हैं जानी गुज्जर आपके साथ। आज डेट है 5 और दिन है वेनसडे का। तो हम आज रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी वीडियो बनी है कि वन मैन आर्मी इमरान खान के सपोर्ट में। तो आपने अगर देखनी है तो सिर्फ आपको हैंड फ्री लगा के हैंड फ्री यूज कर ले और देखें, और मजा आ जाएगा आपको ये वीडियो देखने का। मजा ना आया तो पैसे वापस, पता चल जाएगा कि वन मैन आर्मी। मैं कहता हूं टाइम जाया नहीं करता, टाइम जाया करने के बिना ये वीडियो देखते हैं और इसके बाद डिस्कशन करेंगे। जो जो आपको पार्ट अच्छा लगा, चीज अच्छी लगी, उस पर कमेंट जरूर करना। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। यूज हैंड फ्री। कस्बा कुर्सी के आलम में हम आपके लिए लाए हैं ताजा हवा का एक दिल फरेब। 75 साल जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली शऊर और आजादी की पहली बारिश। इमरान खान जिंदाबाद। जब तक आपका कप्तान खौफ ज़दा नहीं तो आपको किसी से डर है। माशाल्लाह। तलवार की धार से गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो शख्स परवरदिगार। Never has one man scared an establishment in political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. Jab ye mera naam sunte hain to inki campaign shuru ho jati hai. Mera challenge hai tumhe, jo marzi kar lo tum shikast khaoge, tum haroge. Hamara Pakistan, hum faisla karenge. Inshallah. Inshallah. आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, तोड़नी पड़ती है, तोड़नी पड़ती है। लारा रूबी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। सी आती है। Are you enjoying this fight? Yes. Yes, babe. If I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of it. जिसम पे गोलियां खा करके एक 150 पर्चे बर्दाश्त कर करके दहशतगर्दी के दांतों के चक्कर लगवा लगवा कर फिर भी आसमान को देखते हुए मुस्कुराता हुआ ये शख्स नारक का बच्चा है। खुदा की कसम, गैरतमंद है ये, बहादुर माँ ने बहादुर बेटा पैदा किया है। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी छुप जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। आप सोच रहे हैं कि एक एक करके हर चीज आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं है, तो एक बार उस दरख्त को जरूर देख लीजिए जिसका एक एक पत्ता उससे चढ़ता जा रहा है, लेकिन वो दरख्त खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि बहार आएगी और बहार को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे तो उस दरख्त को भी काट दो, बहार हर फिर भी आएगी। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। उसको तोड़ना चाहते हैं, उसके हौसले को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। वो आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा। उम्मीद क्यों टूटे? आजादी की उम्मीद। अरे उसे हटाने के लिए इस मुल्क में जज बिका, जनरल बिका, सियासतदान बिका, मुल्ला बिका, सहाफी बिका, दानिशवर बिका, दलाल, और न जाने कौन किस किस की काट ले रहा। वो आज भी अल्लाह के हुक्म से खड़ा। अल्लाह तेरी इबादत करते और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगते। He will succeed. He is bound to succeed. ये आपको हजार में से हजार दफा गलत पूछ रहे। जो हारने से डर गया ना वो कभी नहीं जीत सकता, पत्ता पलटेगा। अंग्रेज शहर की मुझसे फकत इतनी सी लड़ाई है कि मैं वो सर बनाता हूँ। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का।
ऐसा लीडर कहाँ मिलता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे तोहफा दिया। जो जिंदगी है ना वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है। कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम जीरो से एकदम कामयाब हो गया। साइकिल्स में जाता है, ऊंच नीच जिंदगी का नाम। हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए हमारी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी नहीं बड़ी फसीलें बांध के नहीं रख सकता। मुफामत ना सका जबर नारवा से मुझे, मैं सर बेकाबू से जान माल इज्जत आबू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान पे और पाकिस्तान पे खड़ा। जितना भी ये डाकुओं का गुलदस्ता है, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे वो भी कर, जितनी भी ये प्लाने लाइन के लिए क्या जाग ना जाए सिरों की औरत कार्ड मजहब कार्ड चौधरी सरवर जहांगीर तरीन अलीम खान प्रेस कॉन्फ्रेंस फरागोजी तोशा खाना रिहाम खान शाहिद अफरीदी सहबा गुल आयशा गुल आलम मुस्तफ़ा कमाल गुलकार जवाद अहमद मलक रियाज आरयू लीग रेडियो लीग कॉल लीग ममनुआ फंडिंग और 90% मीडिया के नाम ने हाथ सहाफी के तजुर्बे मिलाकर सब हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कप्तान आज भी मकबूलियत की उम्मीद पर बल्ले हाँ। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रही है बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। आप हमारे लिए हमारे मुल्क की जमीन को तंग कर दें तो आप मुहिब्बे वतन और हम अपनी जमीन पे आजादी से रहने का हक मांगे। तो हम गद्दार हैं, गद्दार हैं, बागी हैं, बागी हैं। आप खुदा ना खास्ता कभी हार भी जाए तो आप मुहिब्बे वतन हैं। और हम आपसे पूछें कि हुजूरे वाला ये क्या हुआ था तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं, बागी। हम हंसे तो गद्दार हैं, रोए तो गद्दार, बोले तो गद्दार हैं, चुप रहे तो गद्दार हैं, बात करें तो गद्दार हैं, ना करें तो गद्दार हैं, हम सवाल करें तो गद्दार हैं, जवाब मांगे तो गद्दार हैं, जवाब ना देने पर रिएक्ट करें फिर गद्दार हैं, क्योंकि हम पैदा हुए हैं हुजूर गद्दारी के। We need your support on Facebook. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आपने आपने वीडियो देखी है? ओए होए, कसम से वीडियो देख के तो रूह ताज़ा हो जाती है, अंदर जोश चलवा वलवला पैदा हो जाता है। इमरान हाँ की बातें सुन के आप जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए मुंह पे आदमी छोड़ूंगा इन्हें, अकेला ही काफी हूँ। वन मैन आर्मी है यार, मजा आ जाता है इस बंदे के यहाँ पे, लाइक एक स्ट्रगल देख के। इसीलिए तो हम इनको अपना लीडर मानते हैं। लीडर वो तो नहीं होते हैं, लीडर हमेशा मजबूत होता है तो मजबूत लोगों को इंसान पसंद करते हैं, तो इसीलिए तो ये दिलू में बैठ गया है। लीडर तो माना माना दिलू में बैठ गया है, तो दिलू में कैसे निकालोगे आप लोग? ठीक है, ऐसी ऐसी एनर्जी आप कहां से लेके आओगे? ऐसा ईमानदार इंसान कहां से लेके आओ? गोलियां खाएगा, कंटेनर से गिरेगा, जो मर्जी करोगे जेल में डालोगे, उतना तेजी से निकलता है। आपने इल्जाम लगाया, जो मर्जी लगाया, आपने देख लिया था वीडियो में ना। हो पटवारियों को तो नहीं समझ आएगी, जो दिल रखने वाले लोग हैं ना, दिल रखने वाले, बेशक पीटीआई के सपोर्टर हैं ना, हूं इमरान के हैं नहीं हूं, मजा आ जाता है कसम से।
मैं आई होप आपको भी मजा आया होगा, आप भी देखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम किसी मराना की और वीडियो के साथ मिलेंगे, और इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट कर लें, ताकि के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैंने मारखोर की भी टी शर्ट पानी की टेंशन लो है, मैं कहा कि कहीं समझ है ना, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, वहां में याद रखना इंशाल्लाह, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।